आप चुप करके खाना देना, वो आपका हो रहा है चेकअप। वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है घर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप सब बहन भाई के लिए दुआ करनी है। डर देखो रही है। तो आज हम जो है ना बोले, मैं 3-4 दिन मैंने खाई है, क्योंकि मैंने मेडिसिन लेकर वहां से आई थी। तो आज जा रही हूँ दाढ़ को जो है ना निकलवाने, पता नहीं इसको सेट करते हैं अब क्या करते हैं, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पहले तो उसने कहा था कि इसको जड़ से ही निकाल दूंगा, लेकिन मैंने यही मशवरा दिया है, मैंने कहा आप ना निकलवाओ, अच्छी बात है। ये तो फिर देखते हैं कि वो अगर इसको सफाई कर लेता है और नहीं निकालता फिर तो अलग बात है, अगर निकाल देगा तो जान छूटी ही, क्योंकि दर्द बहुत ही ज्यादा होती है। अब कोई ना कोई इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा निकलवा देते हैं पिछले वाली सारी दाड़े, 3 इधर वाली और 3 इधर वाली। चलो निकलवा दो, मुझे क्या है, फिर चूरी बना के ना मुझे दे दो, मैं खाती रहूंगी। हाँ तो मैं चूरी बना दूंगा ना, ये कोई बात है, मैं चूरी बना दूंगा। तो आज देखिए मेरी बात सुने, जैसे जैसे हस्बैंड के वाइफ पे हकूक होते हैं, तो जो है ना हस्बैंड पे वाइफ के जैसे हकूक होते हैं, हस्बैंड के भी ऐसे ही होते हैं और वाइफ के हस्बैंड पे ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये बात नहीं है कि दोनों के हकूक बराबर होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई दुख तकलीफ में परेशानी में आ जाता है, ये नहीं है कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा, चूरी बना दूंगा आपको, आप निकलवाओ, आज लगेगा पत्ता। बड़ा शौक है दाढ़ निकलवाने का, मैं तो कहता रहा जी, नहीं नहीं बड़ा शौक है, मैं तो कहता रहा हूँ फिलिंग करवा लो, नहीं मैं जिंदगी में मैंने निकलवानी है, चलो आज देखते हैं जो जैसे वो कहेगा, नहीं हमने बस निकलवानी है आज, चलो चलो निकलवाओ। हाँ लग जाएगा पत्ता जब दर्द होगा, दर्द तो अब अब वो देखा जाएगा, लेकिन हालात खराब नजर आ रहे हैं मुझे। रोटी नहीं खा सकूंगी फिर। नहीं रोटी 15 दिन खत्म, 15 दिन छुट्टी रोटी की। सही बताओ दर्द होगा जब निकालेगा? बड़े जोर का दर्द होता है। चलो कहते हैं नहीं होता, क्या आप होता है, होता है, होता है, झूठ बोलते हैं। चलते हैं, चलते देखते हैं दर्द होता है या नहीं होता। जी सुबह सुबह इसने मुझे उठाया है, अच्छा तो नाश्ता कुछ बनाया है, अच्छा तो उसके बाद मैंने थोड़े से चावल खाए हैं, मैंने काफी खास गुना लगाओ इल्जाम नसीब में होंगे या नहीं होंगे चावल खाने। अच्छा जब मुझे ये बताओ दाढ़ निकलवाने से अपनी हर विश पूरी करना जरूरी है? हाँ। कि क्या पता 15 दिन चावल ना खा सकूं, हाँ, दही भल्ले ना खा सकूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिंदगी ना खा सकूं, इसलिए बेहतर है निकलवा। वैसे आपकी बहने भाई बोलते हैं, कहते हैं जवेद आप इसकी वीडियो में ना बोला करो, और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, खुशियों वाली जिंदगी दे। मुझे ये बताएं जब मैं नहीं बोलूंगा इसकी वीडियो में, इसकी वीडियो मुकम्मल कैसे होगी? आप अकेली बोलोगी? और पता है क्या इसने कहा है कि सफेद जोड़ा मेरा जो है ना व्हाइट जोड़ा धो के जो है ना इसको सुखा दो और प्रेस कर दो, ये मैं पहन के जाऊंगा। अब दूसरा पहन लिया वो बेचारा वैसे ही खड़ा है। चलो शाम को ये पहन लूंगा, और भी कुछ कपड़े थे वो मैंने धो लिए। जो आप काम दिल से करती हो उसमें ये हो सकता है कि आपका हस्बैंड आपकी बात ना माने। हाँ, बड़ी बात मानते हो पता है। अच्छा आज सिंपल कपड़े क्यों पहने हैं? बाहर जा रहे हैं तो सिंपल कपड़े पहनोगी? मेरा दिल कह रहा था मैं यही पहनूं। यह सदमा है दाढ़ को निकलवाने का? ऐसी कोई भी बात नहीं, बूट अच्छे वाला पहन लिया है, कपड़े जो है ना सादा पहन लिए है, वो जो पहले और कपड़े पड़े थे आपके लिए ले आया था। अच्छा चलो चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो आप बहन भाइयों ने दुआ करनी है हमारे लिए, हम खैरियत से पहुंचे और मैडम की दाढ़ को निकलवा के आपको दिखा सकें। मैं सारी दाढ़े दिखाऊंगा आज आपकी, ठीक है? चलो अभी हम पहुँचे हैं डॉक्टर के पास, जहाँ से हमने पहले भी दवाई ली, रश काफी ज्यादा है इसलिए आवाज कम आ रही होगी। तो चलते हैं अंदर चल के देखते हैं कि दांतों को तो मुझे डर लग रहा है, अब देखते हैं जाके अगर वो इसको सेट करता है तो सही है, नहीं तो फिर निकालेगा, क्या कह सकते हैं। चलो 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 चले, अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लो, इजी हो जाओ बस। डॉक्टर साहब आए बैठे हैं, वो चेकअप करते हैं आप बस। आपको वीडियो की पड़ी है, आपको ना दांतों की नहीं है।
कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लो आप। ये इंजेक्शन जो होता है ना, इससे दर्द बिल्कुल नहीं होता। आप परेशान हो रही हो, इजी रहना है बस, इजी रहना है आपने, बिल्कुल अल्लाह करम करेगा। चलो मैं बंद कर देता हूँ। क्यों बंद कर दूँ? कुछ नहीं होता, आप चुप करके खाना जो है ना, वो आपका हो रहा है चेकअप। मैं खड़ा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? हम आ चुके हैं घर और साबरा इस काबिल भी नहीं रही कि बात कर सके। आप भी काम है जी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ है? वो ये बोल भी नहीं सकती आज। तो ये जो हिस्सा है ये सूज गया है, कहती है मुझे मत कहो कि मैं बोलूं। तो आप बोलो नहीं, अब इस वक्त आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो अभी तो जो है ना, बहुत रियायत हो गई है आप पे, तकरीबन 25 से ऐसे मुंह करके मैं पड़ी रही हूं। अच्छा, 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो जो है ना, दाढ़ की हमने दाढ़ को निकलवाया नहीं है, हमने दाढ़ की सिर्फ वो क्या रूट कनाल करवाया है, उसका अच्छे तरीके से सफाई हुई है उसकी। तो अब जो है ना, उसने यही बोला है, उस वो कहता है कि अम्मी जान कहती हैं, हाँ अम्मी कहती हैं कि पलथी मार के बैठो, चौकड़ी मार के, हम जिस तरह बोलते हैं। और साबरा की पोजीशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, तो इससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, क्योंकि आधा घंटा मैं वहाँ पे रुका रहा हूँ। तो अब ये बोल नहीं सकती, तो ऑब्वियसली मुझे भी बोलना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि कुछ तो दर्द है, और जो सुन का वो इंजेक्शन लगाते हैं ना जी, तो उसकी वजह से ज्यादा नहीं बोल रही। नहीं नहीं, ये ना माउथ को ओपन करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर इंजेक्शन लगा के ना अंदर एक ऐसी मतलब दाढ़ में सिस्टम अल्लाह पाक की जात ने रखा हुआ है। हाँ, तो ये बात है ना, अब आराम तो हो जाएगा ना, परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने ज़्यादा। अगर परेशान होगी तो फिर क्या। और उसने कहा है कि दोबारा भी आना है, तो टैबलेट उसने लिख के दे दी है, एक दवा फिर जो है ना वो सफाई होगी, उसके बाद फिलिंग होगी, यानी कि फिलअप कर देंगे उसको। तो अब दोबारा उसने यही बोला है कि दर्द नहीं होगा। जी, मैंने कहा पहले भी कहा तो यही था, फिर दर्द हुआ है? दर्द कम होता, दर्द इतना नहीं होता जितना वो अंदर अंदर की जगह ना मुंह के, तो मुंह ऐसे करके जो ना पड़े रहो ऊपर से, कोई कभी कोई चीज, कभी कोई चीज अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं, कभी कोई चीज डाल, तो उसकी वजह से थोड़ा स्मेल आती है जो दवाएं उसमें लगाते हैं। अच्छा, तो तबीयत थोड़ी खराब हो गई, सर में दर्द होने लगा फिर। अच्छा अच्छा, ये बच्चा है। चलो आप सुकून से अब चाय पी लो, जरा थक गई हो। आप ही बैठो, चाय पी। बस मैं भी चाय पीता हूँ, मेरे भी सर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा।
दोनों क्या हालत खराब है, कल दावत ही पूरा दिन हम कल भी रात भी हम लेट सोए हैं दावत। हाँ। आज तो हमारी दोनों बस छुट्टी समझ ले, बस अभी खाना वगैरह कुछ बनाएंगे, थोड़ा बहुत खाना बना के आप ऐसा करो थोड़ा फ्रेश हो लो। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो टैबलेट उसने लिख के दी है वो अभी तो खाएं, अभी रात को खाएंगे, नहीं नहीं वो रेगुलर खानी है। आज आज की जो आज है वो आज खाओ, आज तो सिर्फ दर्द की। 3 दिन के बाद दोबारा चेकअप करा के इसकी फिलिंग करवाएंगे ना, जब जान छूट जाएगी आपकी दर्द से। हाँ। ये बार बार थोड़े से दही भले चटनी और बर्गर, वो पेन होता था जब भी 2 दिन गुजरते थे तीसरे दिन दर्द शुरू हो जाता था। हाँ तो चलो अल्लाह अल्लाह करे कि कभी किसी को कुछ हो ना, जब थोड़ी सी इंसान को तकलीफ होती ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वही मैं इनसे रास्ते में कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि दर्द की वजह से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हाँ ये बात भी आपकी सही है बिल्कुल। देखें दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है, क्यों परेशान हो रही हैं आप? तो देखें दुख के बाद ही सुख मिलता है ना। तो मानो बिल्ली भी आई हुई है, ये ढूंढ रही है कि कोई रोटी पानी जो है ना, रोटी पानी को अभी देर है। तो मेरे ख्याल में बस मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ, साबरा की वीडियो को आज मैं ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि बोला नहीं जा रहा साबरा से। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिए ख्याल, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।